गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सर्कल के लेक्चर नंबर 4 के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं और आज जो मैं सवाल का डिस्कशन करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5। यानी एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 5 दिया हुआ है, उस सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सेंटर जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ये मान लो सेंटर है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और रेडियस 5, मैंने रेडियस 5 ले लिया, मस्त। अच्छा जी, एंड पासेज थ्रू द 2, 3 और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है, सर्कल पास कर रहा है, किस से पास कर रहा है, 2 और 3 से पास कर, यानी सर्कल के ऊपर एक्स की जगह पर 2 है और वाई की जगह पर 3 है, इतना काम है। तो सबसे पहले अगर इस तरह के बात, जब एक्स का वैल्यू दिया रहे, वाई का वैल्यू दिया रहे, तो ये साफ 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 क्लियर होता है कि हमें एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, ये सबको मालूम है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमेशा होता है, ऐसा होता ही है। वहां पर जहां पे हिंट के लिए, यहाँ पे देखो बच्चे, x यहाँ पे x का वैल्यू और k का वैल्यू बुक में ही गिवन है, गिवन लिखा हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये पॉइंट हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स एच की जगह एच ही रहने दिया, वाई के के की जगह पर ये रहा, के की जगह पर जीरो कर दिया, क्योंकि ये एक्स को बताता है, एफ सी का को बताता है, ये ऑर्डिनेट को बताता है, यानी x एक्सिस के को बताता है, ये y को बताता है। यहाँ हमने रख दिया x माइनस सेंटर, क्या है सेंटर वाला पॉइंट h है, सेंटर वाला पॉइंट क्या, जीरो का होल स्क्वायर बराबर रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ 5, रेडियस 5 दिया हुआ, देखो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब साथ ही साथ ये भी दिया हुआ, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है, ये एच के लिए होता है, ये के लिए होता है, ये एक्स के लिए होता है, ये वाई के लिए होता है। एक्स की जगह कितना दिया हुआ है 2 और वाई की जगह पर दिया हुआ है 3, तो रख दो भैया, यहाँ लिख दिया मैंने, एक्स की जगह पर रखिए 2 और वाई की जगह पर रखिए 3, ये कहाँ से, तो बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ 2, 3 रहा, तो रख दिया हमने 2 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस एच का स्क्वायर कॉपी कर दिया यहाँ पर, 3 माइनस 0 यानी 9 का स्क्वायर बराबर 25, ये हो गया हमारे पास। इसको उठा करके आपने इधर लिख दिया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इजिकल्स 2, यहाँ पर क्या कर 25 को रहने दो, 9 को उस तरफ शिफ्ट कर लो, 25 माइनस 9 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16, तो 16 अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, तो प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो हमने रिस्क नहीं लिया, तो हमने दोनों प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, इससे दो केस तैयार हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर एक बार प्लस 4 होगा और 2 माइनस एच जो होगा 2 माइनस एच जो है एक बार प्लस 4 के बराबर होगा, क्योंकि 2 से 2 काटोगे ना, ये 2 से 2 काटोगे तब, और 2 माइनस एच एक बार माइनस 4 के बराबर होगा, दो केस हो जाएगा रेडी। तो 2 माइनस 4 बराबर, अगर 2 माइनस एच बराबर 4 लेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा माइनस 2, और 2 माइनस एच बराबर माइनस 4 लोगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा 6 यहाँ पर, तो एच के दो वैल्यू आ गए। जब एच के दो वैल्यू आ गए तो इसका मतलब सर्कल के इक्वेशन भी दो आएंगे, एच के दो वैल्यू आ चुके हैं तो सर्कल के इक्वेशन भी दो आएंगे, तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमने फाइनली क्या करना, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर रख देना वैल्यू, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और वाई माइनस के तो 0 ही था का होल स्क्वायर इधर रख दो, इधर इसमें रख दो, इसको हार्ड कर देता हूँ, इधर को रख दो, इसको मैं हार्ड कर दे रहा हूँ बच्चे, इसको हार्ड कर दो, इसमें वैल्यू आप रख दोगे एक बार एच के जगह पर रख दोगे 2 माइनस 2 रख दोगे, एक बार एच की जगह पर रख दोगे 6, जब एच की जगह पर माइनस 2 रखोगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आइडेंटिटी ओपन करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, इसको अरेंज करके लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0, इससे पहला आंसर हमारा आ जाएगा, सर्कल का पहला इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद एक्स की जगह पर 6, एच की जगह पर 6 रखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर 25, इसको अरेंज करके लिखोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 12x और 25 36 में 25 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11 प्लस 11, तो इस तरह से इसके दो इक्वेशंस हो गए, यहाँ पे इक्वेशंस लिखना चाहिए, तो फाइंड द इक्वेशंस यानी सर्कल के यहाँ पे दो इक्वेशन आ रहे हैं, क्यों, एच के वैल्यू भी दो आ रहे हैं,
एच के दो वैल्यू आ रहा है, प्लस प्लस सिक्स आ रहा है, माइनस टू आ रहा है। इसके कारण ये हमारा जो है, यानी ये जो फोटो बनाया है, ये फोटो यहाँ भी बन सकता था, ये फोटो यहाँ भी बन सकता था, ठीक है कि नहीं। ये फोटो जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये फोटो यहाँ भी ड्रॉ कर सकता थे। कहीं भी ड्रॉ करोगे तो यहाँ कंडीशनली कंडीशन के साथ आपको दो एच के वैल्यू आएंगे और दो इक्वेशन भी सर्कल के रेडी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता है आपको इसको समझ में आया होगा, आप इसको आराम से देखोगे तो आपको समझ में बात आएगी। अब इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ रब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें सब कॉन्सेप्चुअल चीज समझाता जा रहा हूं धीरे धीरे, आपको सर्कल भी खत्म हो जाएगा। कॉनिक सेक्शन में पहले से पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब पढ़ाया हुआ है, मैंने पढ़ा दिया था। और यहाँ पर सर्कल पढ़ाना रह गया था स्कूल में, तो सर्कल यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, वीडियो बना दे रहा हूँ आपको, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। कोर्स ओवरऑल डन हो चुका है, अब आपको मेहनत करना है, रिविजन करना है और प्रैक्टिस करना है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बातें करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कल विद रेडियस सर्कल पासिंग थ्रू जीरो जीरो पासिंग थ्रू जीरो जीरो सर्कल पास करा जीरो जीरो से एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स, मेकिंग इंटरसेप्ट्स, ये बना रहा है इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो अगर इस क्वेश्चन की बातें करेंगे बच्चे, इसी क्वेश्चन में काफी टाइम चला जाएगा, बहुत कुछ इसके अंदर बताना बाकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे सर्कल पासिंग कर रहा है जीरो जीरो से, तो सर्कल पासिंग कर रहा है जीरो जीरो से, तो यहां से इस तरह से बनाता हूं मैं, तो सर्कल पास कर जाएगा जीरो जीरो से, ये पासिंग करना है जीरो जीरो से, ओरिजिन मान लो जीरो कमा जीरो। ये तो क्लियर हो गया फोटो से, आप आसान समझना है। और यहां से ये एक्स और यहां से वाई डैश, सर्कल जीरो जीरो पास करा दिया मैंने, देखो ध्यान से देखना जरा सा। अब साथ में लिखा गया मेकिंग इंटरसेप्ट्स, तो देखो बच्चे ये इंटरसेप्ट होता था, ये एक्स इंटरसेप्ट होता था, ये एक्स इंटरसेप्ट जिसको मैं हार्ड कर रहा हूं, ये एक्स इंटरसेप्ट है, वो इंटरसेप्ट बना रहा है, कितना बना रहा है, ए बना रहा है, ए, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो हो जाएगा, समझना। ये है एक्स इंटरसेप्ट, ये है एक्स इंटरसेप्ट, छोटा सा लिख देता हूं, और ये है y इंटरसेप्ट, इसको जो हार्ड कर रहा हूं मैं, ये है y इंटरसेप्ट, तो ये है b, ये है y इंटरसेप्ट, और तो ये पॉइंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा हो जाएगा b। तो इस तरह से हमें देखो, हमें मिल गया यहां से, अगर डॉट 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 बनाने चाहोगे तो इस तरह से एक लाइन भी बन जाएगा, इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, यहां से इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको मिटा देता हूं, इतना कंफ्यूजन होगा, यहां से डॉट 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 यहां से हो गया, यहां से इसका सेंटर हो सकता है। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे ट्रिक्स लगा सकते हैं हम लोग, बहुत सारे नॉलेज की बात है। ये रेडियस हो जाएगा उसका, सेंटर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हमें क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ही पूछा है, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से जीरो प्लस एक आधा, जीरो प्लस ए का आधा, जीरो प्लस बी का आधा, तो क्या आ गया यहां से ए बाई टू और बी बाई टू, ये क्या आ गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल आ गया, सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल हो सकता है, सेंटर भी निकाल दिया, यहाँ ये पॉइंट भी सर्कल दिया हुआ है। अब एक चीज और है, अगर रेडियस निकालना चाहते हो तो ये पता, ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा, गौर से देखो तो तुम्हारा रेडियस है। क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, वरना मैं तुरंत आंसर ला दूंगा इसका, वरना जान करके मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिल सके। तो ये रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा पता है, यहां से मान लो कि ओसी, मान लो ओसी, ओसी क्या हो जाएगा, रूट अंडर में ए माइनस ए बाई टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, और बी माइनस टू का जीरो का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर। देखो कई सारे तरीके हैं, मैं इसको बहुत जबरदस्त तरीके समझा रहा हूँ, ए स्क्वायर बाय फोर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर, ये इसका रेडियस हो जाएगा,
अगर हम बात करेंगे रेडियस की बात करेंगे ओसी जो हो जाएगा इसका रेडियस हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला अगर मेथड वन की मैं बात करूं, अगर मेथड वन की बात करूं कि मेथड वन ऐसा आजमा सकता है आदमी कि एक्स माइनस सेंटर एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता है कोई बच्चा, प्लस वाई माइनस सेंटर क्या है माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता है, इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर करोगे इसका रूट गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय फोर और बी स्क्वायर बाय फोर आसानी से लिख सकते हैं। रेडियस का होल स्क्वायर का मतलब ये यहाँ क्या हो जाएगा जो रूट के अंदर है वो रूट गायब हो जाएगा। तो यहां से ऐसा हो सकता है, अब इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर माइनस टू ए और बी प्लस, इसको ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर माइनस टू ए और बी ए बी और इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फोर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर। अब इससे फायदा कुछ हुआ, ए स्क्वायर बाय फोर, ए स्क्वायर फोर कट गया, बी स्क्वायर बाय फोर, बी स्क्वायर बाय फोर कट गया, ये टू से ये टू कट गया, ये टू से ये टू कट गया, साफ साफ लिखे क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई बराबर जीरो, और सजा के तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो। यहां से हमारा आंसर आ चुका है, यहां से आंसर आ चुका है। ये मैंने बोला मेथड वन, एक मेथड से मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, मेरे पास एक और मेथड है मैं उसका भी अप्लाई करके आपको बताने जा रहा हूं। इस तरह से आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो, तो इसका आंसर आ गया। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, एक तो मेथड ये है मेथड वन, और मेरे दिमाग में एक मेथड दूसरा भी चल रहा है, मैं उसकी अगर मैं बातें करना चाहूंगा तो उसमें ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आंसर आएगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मेथड नंबर टू, दूसरा मेथड बता रहा हूं, इस सब में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, यहां से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसको पॉज करके लिख लेना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, अगर आपको किसी भी सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, किसी भी सर्कल का अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स इसको बोलते हैं, यहाँ पर मान लो कि ए है और यहाँ मान लो बी है, एक पॉइंट तुम्हारा क्या है जीरो कमा बी है जीरो कमा ए है, ये ए मान लो यहाँ पे जीरो कमा ए कमा जीरो है, ए कमा जीरो है और दूसरा पॉइंट क्या है जीरो कमा बी है। किसी भी सर्कल का अगर डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ रहे, किसी भी सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट दिया रहे, तो ये मान लो इसके जगह पे तुमको एक्स वन है, ये वाई वन समझ लो, ये एक्स टू समझ लो, ये वाई टू समझ लो, तो फॉर्मूला है एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं अगले वीडियो में प्रूफ करके बताऊंगा फॉर्मूला प्रूफ करते कैसे है, बट अभी मैं इसको आंसर ला के बता देता हूँ। एक फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, एम आई टी आई ए, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर भी बोलता है किसी किसी बुक में। इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज गिवन, ऑफ ए सर्कल इज गिवन, तो इसका होता है क्या एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस, सर्कल है प्लस का साइन आएगा, ये तो इसमें फिक्स है, सर्कल है तो प्लस का साइन आएगा वरना तो सर्कल बनेगा नहीं, प्लस तो क्या सिमिलरली वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर रेडियस का स्क्वायर बराबर यहाँ बराबर जीरो बराबर आ जाएगा यहाँ पर जीरो। अब यहां से इसमें अगर वैल्यू पास करेंगे, इसमें अगर वैल्यू पास करें, ये वैल्यू पास करो, एक्स वन जगह क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, एक्स वन जगह क्या लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, तो अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखो, तो एक्स माइनस यहाँ ए लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स टू कितना है ये जीरो, तो जीरो प्लस वाई माइनस वाई वन कितना है जीरो, और वाई माइनस वाई टू कितना है बी बराबर जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये तो जीरो है, तो इसका साफ साफ क्या लिखा हुआ, ये लिखा एक्स माइनस ए इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये वाई माइनस वाई इंटू वाई माइनस बी लिखा हुआ है, देखो ना एक्स माइनस ए इंटू एक्स लिखा हुआ है, वाई इंटू वाई माइनस बी लिखा हुआ, कर ले मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स वाई स्क्वायर माइनस बी वाई बराबर जीरो, अगर बढ़िया से लिखोगे तो क्या लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो। अभी मैंने मेथड वन बताया था वो याद करो, और मेथड टू बताया ये याद करो, क्या दोनों का आंसर सेम आया, मैच करा लो आप पीछे देख करके मैच करा लेना,
तो आपको पता चलेगा कि आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो देखो क्या दोनों का आंसर सही है, दो दो मेथड से समझा दिया, दो दो मेथड समझा दिया। कब जब सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट दिया रहे तो अब मैंने बोला अगले वीडियो में बता दूंगा सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला ही कैसे बना ये भी हम बता सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। मेरे पास अभी जब टाइम है तो इस फॉर्मूला को बता सकते हैं। तो चलो मैं बता देता हूँ ये फॉर्मूला बना कैसे, ये जो फॉर्मूला बना कैसे ये मैं बता देता हूँ, आज मैं ये बताता हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, ये भी प्रूफ करने पूछ सकता है कभी कभी पेपर में। तो दो मेथड से यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताया है, देखो फॉर्मूला बना कैसे ये बताने जा रहा हूँ। देखो बहुत ही मस्त है, मस्त चीज है। अगर हम बात करेंगे एक सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल का डायमेट्रिक एंड पॉइंट, डायमेट्रिक एंड पॉइंट मान लो कि यहाँ से ए है, ये एक्स वन है और ये वाई वन है, और ये डायमेट्रिक पॉइंट बी है वो एक्स टू है, ये वाई टू है, ठीक है। अगर ये इसका सेंटर हो जाएगा और यहां से मान लो कि एक मूविंग पॉइंट जो हमको मालूम नहीं है वो जो है यहाँ पर पी है, वो एक्स कमा वाई है, मान लो एक्स कमा वाई है एक मूविंग पॉइंट जो सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। अब हमें ये पता है कि सर्कल के ऊपर अगर मूविंग पॉइंट लेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, याद करो एंगल ऑफ सेमी सर्कल ऑलवेज इज ऑलवेज 90 डिग्री, याद करो अगर 90 डिग्री ऐसा होता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ाया था एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, सेमी सर्कल का कोण जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, ऐसा होता था, याद करो यहां से करो तो भी, यहां से कहीं से भी करोगे तो ये 90 डिग्री ही होता था, कहीं से भी लो तो ये 90 डिग्री ही होता था। नाइन्थ में प्रूफ भी करने आता था, नाइन्थ क्लास में ये प्रूफ करने आता था एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री प्रूफ करो। अब यहाँ पर जैसे ही बात आया 90 डिग्री तो मैं स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था कि जब ये 90 डिग्री की बात आए तो m1 into m2 बराबर माइनस वन कर दो, याद करो इसका स्लोप निकालेंगे m1, इसका स्लोप समझेंगे m2, तो m1 into m2 बराबर माइनस वन होना चाहिए फॉर राइट एंगल, फॉर राइट एंगल, राइट एंगल है तो राइट एंगल है तो m1 into m2 बराबर माइनस वन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पढ़ाया हुआ मैंने जब जो दो सलब 90 डिग्री पे है तो m1 n2 का वैल्यू माइनस वन। अगर m1 निकालोगे, m1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा पता है, m1 हो जाएगा तुम्हारा y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन, याद करो स्लोप, पहला स्लोप हो गया, दूसरा स्लोप इधर से निकालोगे तो क्या आएगा y माइनस वाई टू है ना, y माइनस वाई टू अपॉन में x, ये x लिखा हुआ है बच्चे, अपॉन में x माइनस एक्स टू इजिकल टू नथिंग बट माइनस वन, होगा कि नहीं होगा, दो स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस वन, जब दो 90 डिग्री बनता है दोनों स्लोप के बीच 90 डिग्री बनता है एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन होता है, होता है ना। तो चलो अब करते क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो क्या होगा, ये वाई माइनस वाई वन तो यही पे रह जाएगा, वाई माइनस वाई टू भी यहीं पे रह जाएगा, और ये पूरा छल्ला उस तरफ चला जाएगा तो क्या आएगा पता है, एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू, और उसके पहले ये जो माइनस है वो तो लगेगा, वो तो इधर माइनस लगेगा, लगेगा क्या नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा तो उसको मैं उस तरफ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, जैसे ही मैं उसको इस तरफ लाऊंगा तो ये पता है क्या बन जाएगा क्वेश्चन, x माइनस एक्स वन प्लस हो जाएगा x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन और y माइनस वाई टू इजिकल टू जीरो, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या बन गया बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी सेम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा हो जाता है यहाँ पर रेडी हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाया, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, क्यों क्योंकि यहाँ पर दिया था डायमेट्रिक एंड पॉइंट ये और ये दिया हुआ था, तो मेरा दिमाग चला कि ये लगा देते हैं। अगर यहाँ पे सेंटर की बात करोगे, सेंटर क्या है यहाँ पर, सेंटर होगा क्या मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेंटर यहाँ पे बच्चा बता पाएगा, मिड पॉइंट सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो इस तरह से सर्कल का सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से, किससे यूज किया हमने, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके हमने सर्कल का सेंटर भी निकाल लिया, डायमेट्रिक एंड पॉइंट भी दिया ही था, यहाँ सर्कल के क्वेश्चन भी निकाल लिया। अब यहां से अगर चाहोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके यहां से तुम रेडियस भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो रेडियस भी आ जाएगा, तो इस तरह से रेडियस भी निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ सेंटर भी निकाल सकते हो,
इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाया है आज मैंने आपको, बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फायदा हुआ आज, बहुत बढ़िया चीज समझाया है, समझ में आया। आप इसको समझना, इसको ट्राई करना समझने का, और अगले लेक्चर में शायद खत्म हो जाएगा सर्कल। पढ़ाने का बहुत कुछ है, बहुत पढ़ाया जा सकता है, बट अभी इतना इसके ऊपर ही खत्म करूंगा। वीडियो में उतना नहीं कर सकते जितना हम पहले करना चाहते हैं, और ओरिजिनल जहां जब तक करते हैं तो बहुत ज्यादा करने को मिलता है, यहां पर थोड़ा दिक्कत रहता है, बोर्ड भी कम रहता है और टाइम भी कम रहता है, ठीक है कि नहीं। तो चलो फिर यहीं पे हम क्लास करेंगे समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।